हाल चाल बहन? बहुत दिन हो गए न्यू ईयर पे कहीं घूमने चले। हाँ चल नेकी और पूछ पूछ। बच्चे बड़े बेकार हैं। उसने अपनी बहन का फोन तोड़ दिया। क्या यार बहन, तुम्हें को कैसे लोगों के साथ में ले आई? मुझे पार्टी करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। आई डोंट नो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट, बट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कभी भी कोई प्लान बने और भले ही मैं कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, मैं घूमने जाने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। अब जब हम जाने वाले केवल दो ही थे तो मैंने सोचा कि दो जनों में कितना ही मजा आएगा। सो आई कॉल माई बेस्टी कि चलेगी क्या? ट्रुंग 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 ट्रुंग। हेलो मोमो, न्यू ईयर पे घूमने चलेगी? अब वैसे तो हर बार ये मना कर देती है कि नहीं यार बहन, मैं नहीं जा रही, घर वाले मना कर रहे हैं। पर इस बार इसने हाँ कर दिया, बट एक कंडीशन के साथ कि हमें सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा। और मैं अपनी बेस्टी के साथ जाने के लिए सुबह के 5 बजे भी उठ सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत रेयरली घूमते। अच्छा, क्या मैं अपने बिल्डिंग के दोस्तों को भी ला सकती हूँ? हाँ ले आ, जितने ज्यादा जने आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरी बेस्टी ऐसे फ्रेंड्स के साथ बहुत कम घूमती है। वो औरत खुशी के मारे इतना पागल हो गई कि उसने पूरी बिल्डिंग में ढोल पीट दिया। मैं है ना न्यू ईयर पे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, तो तुमने होमवर्क नहीं किया। कोई वजह? सॉरी मैडम, मैं न्यू ईयर की पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी तो टाइम नहीं मिला। कल खो खो खेलोगे? ओह सॉरी, आई एम बिजी, मैं पार्टी करने जा रही हूँ। तुम लोगों का क्या प्लान है वैसे? कोई प्लान नहीं है। वैसे तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। यार दीदी, चल तो देंगे, पर क्या आप हमारे घर पे पूछ लोगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अंकल, ये लड़की आपकी बेटी है। हाँ हमारी बेटी है। तो अंकल ले जा रही हूँ मैं इसको न्यू ईयर की पार्टी के लिए। नहीं। हाँ अंकल। नहीं बेटा। अरे हाँ अंकल। कोई नहीं, वैसे कल सुबह सुबह सुनीता आंटी के आप दूध देने गए थे। नहीं वो कल देखा था मैंने आपको। कब जा रहे हो? उसने पूरे 4 बच्चे इकट्ठे कर लिए और मुझे कॉल करके बोलती, बहन जगह कम पड़ रही है, अपने को बस से जाना पड़ेगा। क्या? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम जाने वाले 3 इतने मोटे मोटे तो है नहीं कि एक गाड़ी पे समाएंगे नहीं, और अगर नहीं भी समाए तो एक और गाड़ी रख लेंगे। वो एक्चुअली है ना, मेरे मल्टी के कुछ दोस्त भी आ रहे, तो तू तो ला रही है ना गाड़ी? हाँ। और तेरी फ्रेंड, वो भी ले आएगी गाड़ी अगर बैठने में प्रॉब्लम हुई तो। ये लोग कौन है? मेरे को भी नहीं पता। तुझे दोस्तों को लाने के लिए बोला था, तू बच्चों को ले आई? इतनी बड़ी औरत, एज तो नहीं बता रही मैं, कम पड़ गई थी क्या तुझे बच्चों को दोस्त बनाना पड़ा? और ये जाएंगे कैसे? अपन ले जाएंगे और क्या। अपन ले जाएंगे? मैं नहीं किसी को बिठाने वाली, केवल तू ही बैठेगी मेरी गाड़ी पे, मैं किसी को ड्राइवर थोड़ी ना। बिठा ले यार उन लोगों को, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती क्या? नहीं मना कर दे उन लोगों को, बोल दे जागो नहीं है। क्या यार कृष्णा, कितनी बुरी है तू, बुरी बुरी बुरी। देखो यार सेल्फिश तो मैं हूँ, हर कोई होता है, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता, मैंने कर लिया। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बच्चों को ला रही है, प्रॉब्लम ये थी कि वो एक नंबर के टूटे थे। हाय। अरे इंट्रोडक्शन तो कर लो। बच्चे बड़े बेकार है। मैं नहीं ले जा रही, वो नहीं जाएंगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी हूँ यहाँ पे, शायद तुम लोग मुझे भूल गए। अब तो मुझे सही में भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम लोग इन लोगों के ड्राइवर है, बट बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार हूँ। वेल, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुझे एंगर इश्यूज नहीं है, मैं बहुत काम टाइप की बच्ची हूँ, काम ऐसे ही कुछ बोलते हैं शायद। और यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं, ओए वो तुझे गाली दे के गई, उसका ही मुंह खराब होगा, भला मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ उसके ऊपर गुस्सा करके। व्हाटएवर, आई डोंट केयर। बट जब गुस्सा आता है, बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आता है, और जल्दी जाता भी नहीं। तो गुस्सा है? मैं क्यों होंगे गुस्सा भला? भला मुझे क्यों गुस्सा आएगा? क्या यार बहन, तुम्हें को कैसे लोगों के साथ में ले आई? रुकना बहन, साथ में आए थे साथ में जाएंगे। सॉरी, तुझे तो भूल ही गई थी मैं।
सो हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचे साथ में। दीदी भूख लग रही है। भूख लग रही है तुझे? भूख लग रही है? भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो कुछ खाते। दीदी ये तो बहुत महंगा है, चलो अपन 56 चलते, वहाँ पे बहुत सारी चीजें खा लेंगे यार। तेरी ड्राइवर बैठी हो जो तुझे वहाँ पे लेके जाऊँ। वो देख कोने में, वो सस्ता है, वो ऑर्डर कर दे। बिन बिन कांड हो गए क्या? इसको भाई आ रहा है इसको लेने। क्या बात कर रही है सच्ची? अरे हाँ, और इसको मारेगा। क्या बात कर रही है सच्ची? अरे हाँ, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकले। क्या बात कर रही है सच्ची? तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? तू उससे 2 साल छोटा है और तू मुझसे 3 साल छोटी है। तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, मेरा नहीं बना अभी तक। मेरा नहीं बना मम्मा। तुझे इतनी बार समझाया इतना क्रिंज नहीं करने का, फिर भी क्रिंज करे जा रही है। सॉरी। हाँ तो उसका भाई आ रहा तो? तो इसको उड़ा देगा। ये अचानक क्या चालू हो गया इसमें? कहीं दूसरा उसका वीडियो लगा दिया क्या मैंने? मतलब कुछ भी। अरे 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 अरे, मैटर ये है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इनके घर पे नहीं पता, लेकिन इस लड़की के भैया को पता है। और इस पगली लड़की ने अपने भैया को ही कॉल करके बता दिया कि ये भी आया है। मतलब अक्कल बक्कल नाम की चीज है कि नहीं है? एक तो तू इतना बड़ा रिस्क लेके चल रही साथ में, ऊपर से खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया। इतनी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हट, आ रहा हूँ मैं, वही रुकना, तुम लोग साले को उड़ा दूंगा मैं। ए, चलो रे भाई लोग। उसका भाई इतने सारे गुंडे लेकर इस बच्चे को मारने आ रहा जो कि अपनी जीएफ से 2 साल छोटा है? अरे डैडी मुझे भी नहीं होगी इसकी। पूरा दिन मेरा खराब गया, पूरा दिन। बट अब मुझे मजा आ रहा था, मस्त फाइट सीन देखेंगे, पुलिस मुलिस आएगी, दोनों के पेरेंट्स को बुलाएंगे और इन दोनों के भांडे फूटेंगे, तभी तो सिंगल होने का मजा आएगा जानी। एंड देन उसका भाई आया। एक नंबर का गुंडा था वैसे उसका भाई। उसने अपनी बहन का फोन तोड़ दिया और पूरी पब्लिक हमको देखने लगी, और उसके बाद वीडियो खत्म हो गया, क्योंकि इतना सारा एनिमेशन मुझसे नहीं होने वाला भाई, इसलिए बाय बाय। हाँ, वो मैंने वीडियो में बच्चों को कुछ ज्यादा ही छोटा बता दिया है, तो वो बच्चे कुछ उतने भी छोटे नहीं थे। मतलब वो लड़की 12th में थी और वो लड़का 10th में, और हमें ऐसा लगा था कि मारा कुटी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, दोनों की वाट तो लगी थी। और ये सब मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीडियो बड़ी करनी है, तो बस बाय। हाय राम, कितनी क्रिंज हो गई हूँ मैं। शिट। एंड दिस वीडियो इज कोलैबोरेटेड विद पाशा, तो जाओ उसका चैनल चेकआउट करो, बहुत मस्त वीडियो बनाती वो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए।